गुड इवनिंग दोस्तों, शाम का बज रहा है 6:45 और हम निकल गए हैं जगन्नाथ टेम्पल। और ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि हम आए हुए हैं दिल्ली। जी हम आए हुए हैं दिल्ली आज किसी काम से, काम के बारे में करेंगे बाद में बात, लेकिन निकले हुए जगन्नाथ टेम्पल। सोचा जब आए तो जगन्नाथ टेम्पल के दर्शन किए जाएं, और बहुत दिनों बाद दिल्ली आना हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, इसीलिए शाम को निकले हैं, पूरा दिन निकल गया। और अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको जगन्नाथ टेम्पल। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रोग्राम यही है कि आज वहीं प्रसाद खाया जाएगा और लेट नाइट अपना होटल वापस आएंगे, तो दिखाते हैं आपको, बने रहिए साथ में। और ट्रैफिक का हाल तो हमेशा की तरह ही है दिल्ली का। फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर। अनु कैसा लग रहा है आपको, फर्स्ट टाइम आए हो आप? दिखाता हूँ आपको मंदिर की एक झलक। प्योर व्हाइट कलर का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। दिन में और भी खूबसूरत नजर आता है, पर दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए रात को आना ही ठीक है। चलती है, करते हैं मंदिर में प्रवेश, दिखाते हैं आपको। शूज़ उतार लीजिए, एक सब पैक दे दो, उठा के देवी के भी उतार दो, हाथ धो लेते हैं यहाँ पर। मंदिर में अंदर जाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, तो हाथ धो लेते हैं अच्छे से, और बेबी के भी हाथ धुला देते हैं। बेबी कैसा लग रहा है आपको अनु, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है इसको, चलते हैं अंदर। ये नीचे की तरफ जो सीढ़ियाँ हैं ये ले जाएंगे सूर्य मंदिर की तरफ, और यहाँ पर किचन है जहाँ बनता है भगवान का प्रसाद भोग। चारों तरफ बहुत ही अच्छी प्रसाद की खुशबू फैली हुई है, मज़ा आ रहा है। दूध है, नारियल है, क्या है ये? देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि नारियल में मिश्री में लग रही है, और ये खाने को ऐसा लग रहा है जैसे कि नारियल दूध दूध नारियल में मिक्स है। फाइनली पता करने जा रहे हैं भोग के बारे में, देखते हैं। नौ बजे का टाइम था 9:10 हो गए, अब तक भोग का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। और मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग भक्ति के इंतजार में बैठे, सभी से भोग के इंतजार में बैठे, पता नहीं क्यों भीड़ है। अभी थोड़ी देर पहले एक लेक्चर चल रहा था, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था,
बट वो लेक्चर देने वाले सचिन जा चुके हैं, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा भीड़ है और लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। देखिए और वो देखिए पर्ची वाला काउंटर जहाँ प्रसाद की पर्ची कट रही है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। इसका मतलब ये है कि अब लोग बस केवल भोग के इंतजार में बैठे हैं, भोग लगने ही वाला है। अभी काफ़ी दूर जाना है, इंतजार हम भी कर रहे हैं कि भोग मिल जाए फटाफट निकले। चलिए दिखाता हूँ आपको जैसे ही भोग परोसा जाता है कि क्या क्या है और कैसा लगता है, बने रहिए। फाइनली सब लोग बैठ गए, देखिए कितनी लंबी पंगत है, कितने सारे लोग एक साथ बैठे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए सभी लोग भोग के इंतज़ार में, प्रसाद के इंतज़ार में बल्कि कहिए, भोग तो लग चुका है, प्रसाद के इंतज़ार में सभी लोग लाइन से बैठ चुके हैं और अब परोसे जाने वाले हैं प्रसाद। तो फाइनली अब होटल पहुंच गए हैं, भोग खाया, बहुत ही मज़ा आया खाना खा के। बस बेटे ने खाना नहीं खाया इसलिए बेटे के लिए कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि लेट नाइट हो चुकी है और क्या मिलेगा कुछ आइडिया नहीं है। पास में ही 24/7 है, लेट्स सी क्या मिलता है। तो चलते हैं रूम में और देखते हैं क्या मिलता है, लेके चलते हैं उसको और देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। चलिए रूम में चलते हैं, देखते हैं। क्या लेना, क्या आपको खाना क्या है? ले आइए जाके देखिए। क्या देखोगे वहाँ जाके? जो है खाने का। 24/7 ही है या नियर बाय और कुछ नहीं है? जो वहाँ जो कुछ मिलेगा बस वही मिलेगा, पराठा वगैरह मिल सकता है, छोले राइस मिल सकते हैं, लेट्स सी। चलो चलते हैं फिर। है भैया राजमा राइस निकाल दीजिएगा, लास्ट भी नहीं होंगे। तो हमने ले लिया है क्या क्या, हमने लिया है कोकोनट वाटर, लिया है राजमा राइस और लिया है बेबी के लिए एक बिस्किट का पैकेट। चलते हैं। तो गाइस पीछे का व्यू देख रहे हैं कैसा लग रहा है, लाइन से होटल्स ही होटल्स है, बहुत ही मस्त व्यू है। मैं आपको फ्रंट कैमरा से, बैक कैमरा से दिखाता हूँ।